बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रिडम्शन जैसा कि हमने पिछली कहानी में देखा था कि जॉर्ज ने यूरी का पैर तोड़ दिया था और उनकी फाइट के कुछ सालों बाद हमें यूरी को दिखाया जाता है जो जेल में अब जेनिटर का, का काम करता है वहीं इस जेल में एक नया चैंपियन है जो कि एक बहुत गुस्से वाला अमेरिकन फाइटर है इस फाइटर का नाम जेरिको है और आज जेरिको का बॉक्सिंग मैच होता है जिसे गागा और वार्डन देख रहे होते हैं जेरिको के सामने कभी कोई टिक नहीं पाता मैच के बाद जब यहाँ से गागा जा रहा होता है तभी वो यूरी को देखता है जिसकी हालत ख़राब होती है अगर यूरी के पास जाता और कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत फाइट्स लड़ी हैं जिससे मैंने बहुत पैसे कमाए हैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ड्यूटी लाइब्रेरी में लगा दूँ क्योंकि वो काम शायद तुम्हारे लिए बेहतर होगा पर यूरी मना कर देता है वो कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी फ़ाइट जेरिको से करवा दो पर वो अच्छी तरह से जानता है कि यूरी अब फाइट करने के काबिल नहीं है वो अच्छे से चल भी नहीं पाता इसीलिए गागा उससे कहता है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता और वहां से चला जाता है यूरी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि सब उसे लाचार समझते हैं इसीलिए अब वो जेल में अपनी सेल में प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है दरअसल उसका पैर जो जॉर्ज ने तोड़ा था उसमें अब भी कमजोरी है और वो उसी पैर को स्ट्रोंग कर रहा होता है जेल में कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से जेरिको की फाइट होती है इस फाइट में जेरिको अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा देता है और अब यहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है कि बहुत जल्दी दुनिया के जितने बड़े बड़े जेल हैं को कर उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। और इस जेल बेस्ट फाइटर है वो जेरी को है। कि इस जेल से जेरिको जाएगा पर तभी यूरी उसके सामने आ जाता उसे चैलेंज करता है पकड़ लेते हैं लेकिन गागा जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो यूरी के जुनून को देख उसे फाइट की परमिशन दे देता है इसके बाद यूरी और जेरिको के बीच में फाइट होती है और इस फाइट को यूरी जीत जाता है यानी कि अब इस जेल से वो जाएगा हालांकि जब यूरी अपने सेल में आता है तो उसके पैर में अब भी दर्द होता है और अब वो फ़ाइट जीत चुका है इसीलिए उसे जॉर्जिया की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर दुनिया की सभी बड़ी जेलों के फाइटर आ चुके हैं और इन्हीं फ़ाइटर्स में से एक फ़ाइटर होता है टर्बो जो यहाँ के वार्डन के साथ बदतमीजी करता है और जल्द ही उसके पैर में स्टिक मार उसे नीचे गिरा दिया जाता है और अब यहाँ पर जितने भी फाइटर्स आए हैं अगले दिन उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक घंटा दिया जाएगा बाकी पूरा दिन तुम्हें काम करना होगा और काम करने के लिए इन्हें एक साइड पर ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थरों को इन्हें तोड़ना है इस दौरान यूरी की और टर्बो की आपस में बहस भी हो जाती है इसके बाद टर्बो का मैच दिखाया जाता है जहा टर्बो अपने ओपोनेंट को बड़ी आसानी से हरा देता है इसके बाद मैच होता है यूरी का यूरी बहुत ही अच्छी फाइट करता है और वो भी अपनी पहली फाइट जीत जाता है इसी तरह से यहाँ पर दूसरे फाइटर्स की फाइट्स को भी दिखाया जाता है और जो जो फाइटर्स हार रहे होते हैं उन्हें ऑफिसर्स अपने साथ ले जाकर मार देते हैं अगले दिन यूरी और टर्बो जब साइट पर काम करने के लिए जाते हैं तो इन दोनों को एक ही जंजीर से बांधा हुआ होता है यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बार फिर से आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और आर्ग्यूमेंट जल्दी फाइट में बदल जाती है ये दोनों ही अच्छे फाइटर्स हैं इसीलिए एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं और जल्दी इन्हे गार्डस आकर यहाँ पर रोक लेते हैं अब क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रूल्स को तोड़ा था इसीलिए इन्हें अलग जगह कैद कर दिया जाता है जिसके बाद यहाँ पर गागा और एक दूसरा मैनेजर जिसका नाम फर्नेटी होता है दोनों के दोनों आते हैं यहाँ यूरी और टर्बोईने बताते हैं कि इनके साथ दूसरे आम कैदियों से भी बदतर सलूक होता है इनसे मेहनत मजदूरी करवाई जाती है जबकि ये फाइटर्स हैं इन्हें अलग ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए इस बात से गागा को और फर्नेटी को गुस्सा आता है इसीलिए वार्डन के पास और रेजो के पास जाते हैं रेजो जो कि जॉर्जिया का माफिया डॉन है और वही इस पूरे के पूरे कंपटीशन को टूर्नामेंट को कंट्रोल कर रहा होता है उसका फाइटर भी इसी जेल में होता है जिसे वी ट्रीटमेंट मिल रहा होता है और अब गागा उससे कहता है कि हमारे फाइटर्स के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है माफिया डॉन उसे कहता है कि तुम हमारे फाइटर के ऊपर पैसे लगाओ ताकि तुम अच्छे खासे पैसे कमा सको क्योंकि हमारा फाइटर इस मैच को इस टूर्नामेंट को जीतने वाला है गागा पूछता है तो हमारे फाइटर्स का क्या होगा। आपस में अच्छे से बात करना शुरू कर देते हैं इन दोनों को समझ में आ चुका है कि इन्हें जो टाइम प्रैक्टिस के लिए दिया जाना चाहिए था वो इन्हें नहीं मिल रहा इसीलिए दोनों तय करते हैं कि जब इन्हें काम करवाने के लिए साइट पर ले जाया जाएगा तो वहीं पर ये प्रैक्टिस करेंगे और अब ये उसी पत्थर वाली साइड पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं प्रैक्टिस के दौरान यूरी के पैर में उसके घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है टर्बो एक उसे फ्लार देता है और कहता है कि तुम इस फ्लार को अपने घुटने पर लगा लेना जल्दी तुम्हारा घुटना ठीक हो जाएगा अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दोस्ती होना शुरू हो गई है ये साथ बैठकर खाना खाते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं हाँ टर्बो यूरी को अपने परिवार के बारे में भी बताता है और अब वो दिन आ जाता है जब यूरी का एक और मैच है उसका जिस फाइटर से मैच होता है वो उसे बहुत ही कड़ी टक्कर देता है जिस दौरान यूरी के नी में पेन होना शुरू हो जाता है और इस बात को हर कोई नोटिस कर लेता है पर किसी तरह से यूरी उस फाइटर को हरा देता है जिसके बाद उस फाइटर को भी मार दिया जाता है इस फाइट को देखने के बाद जो माफिया डॉन होता है उसे समझ में आ जाता है कि टर्बो और यूरी दोनों अच्छे फाइटर्स हैं इसीलिए वार्डन से कहता है कि तुम्हें दोनों का कुछ करना होगा क्योंकि वो चाहता है कि किसी भी कीमत और उसका फाइटर जीते और अब वार्डन टर्बो को बहुत बुरी तरह से पीटता है ताकि वो फाइट से पहले ही कमजोर हो जाए और अब यूरी को समझ में आ चुका है कि इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं जीतने दिया जाएगा इसीलिए अगले दिन जब वे पत्थर तोड़ने के लिए जाते हैं तो यूरी टर्बो से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये लोग तुम्हें मार देंगे पर टर्बो मना कर देता वो कहता है कि अगर मैं कल फाइट हार भी गया तो मैं वापस अपने परिवार के पास यूएसए चला जाऊंगा तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन इन्हें बताता है कि जो भी फाइटर हारता उसे मार दिया जाता है है अब क्योंकि उसकी एक फैमिली इसीलिए टर्बो यहाँ से भागने के लिए मान जाता है और अब यूरी हथोड़े से उस चेन पर जिस चेन से इन दोनों को बांधा गया उस पर कई सारे वार करता है हालांकि गार्ड्स इन्हें देख लेते हैं इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर ये गार्ड्स के ऊपर हमला कर देते हैं यूरी उस चेन को तोड़ देता और टर्बो यहाँ से भाग जाता है यूरी को बांध उसके सेल में फेंक दिया जाता है जिसके बाद के पास वार्डन और माफिया डॉन आते हैं वो कहते हैं कि तुमने गुनाह किया है और अब फाइनल में तुम्हारी फाइट हमारे फाइटर से होगी यूरी समझ जाता है कि ये उसे किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे इसीलिए वो कहता है कि मैं गागा से मिलना चाहता हूँ अभी वो देखता है कि गागा यहीं पर है गागा घागा कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पैसों से प्यार करता हूँ वो समझ जाता है कि गागा भी इनके साथ मिला हुआ है और अब उसकी फ़ाइट उस फ़ाइटर से होती है जो कि माफिया डॉन का फ़ाइटर है जिसके ऊपर सब ने पैसे लगाए हैं वो एक बहुत ही खतरनाक फाइटर होता है और जब यूरी और उसकी फ़ाइट होती है तो उसे पहले से पता होता है कि यूरी का घुटना कमज़ोर है इसीलिए उसके घुटने पर कई वार करता है जिससे उसका पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो उस फाइटर के सामने अब कुछ नहीं कर पा रहा होता जिसके बाद वो फाइटर उसे उठाकर रिंग से बाहर फेंक देता है और अब यहाँ पर जो रेफरी होता है वो काउंटिंग करना शुरू करता है यहाँ पर यूरी को अपने जेल के दिन याद आ रहे होते हैं जिसके बाद वो अपने पैर पर एक कपड़ा बांधता है और एक बार फिर से रिंग में आ जाता है और अब वो स्वाइटर के ऊपर हमला करता है यहाँ जितने भी कैदी होते हैं वो सब के सब यूरी को चीयर कर रहे होते हैं यूरी बहुत ही बेहतरीन फाइट करता है और फाइट के दौरान ही वो उस दूसरे फाइटर का पैर तोड़ देता है और इस तरह से यूरी इस मैच को जीत जाता है और अब क्योंकि गागा ने फर्नेटी ने और माफिया डॉन ने सब ने उस दूसरे फाइटर के ऊपर पैसे लगाए थे जो हार चुका है इसीलिए इनका मिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है और ऐसा गागा और फर्नेटी ने वार्डन के कहने पर और माफिया डॉन के कहने पर किया होता है इसीलिए फर्नेटी उस जगह जाता है जहां पर वार्डन है वो उस पर गन गंधान देता है लेकिन तभी पीछे से माफिया डॉन आ जाता है वो माफिया डॉन को गोली मार देता है पर तब तक पीछे से वार्डन उसे भी मार देता है यानी कि फर्नेटी की और माफिया डॉन की मृत्यु हो चुकी है वार्डन अब यूरी के पास आता है और कहता है कि तुमने टूर्नामेंट तो जीत लिया लेकिन तुम्हें जेल से आजाद नहीं किया जाएगा क्योंकि तुमने एक कैदी को यानी कि टर्बो को भगाने में उसकी मदद की थी यूरी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बाद वार्डन यूरी को बाहर ले जाता है जहां पर उसे मारने वाला होता है कि तभी पीछे से टर्बो आकर उसे मार देता है और अपने साथ वैन में बिठाता है जहां पर पहले से गागा बैठा होता है दरअसल जब टर्बो भागा

जिसके बाद उसे दोबारा विक्टर को मारना पड़ता है और अब विक्टर पूरी तरह से नॉकआउट हो चुका है अगले दिन यूरी को उसके मैनेजर से पता चलता है कि विक्टर की मृत्यु हो गई ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है वो विक्टर के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता है लेकिन उसका मैनेजर कहता है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता मेरे पास उसका बैग है और जब उसका बैग यूरी चेक करता है तो उसमें उसे विक्टर की पत्नी का लेटर और फोटोज मिलती है उसे पता चलता है कि विक्टर रशिया से है उसकी पत्नी अब भी रशिया में है इसीलिए वो रशिया जाकर विक्टर के परिवार की हेल्प करना चाहता है पर रशिया वो नहीं जा सकता क्योंकि वो वहां पर मोस्ट वांटेड है इसीलिए वो अपने मैनेजर से कहता है कि मेरे लिए नकली पासपोर्ट बनाओ ताकि मैं रशिया जा सकूं दरअसल वो आखिरी बार रशिया की जेल से भागा था और अगर वो गया तो उसे जेल में दोबारा डाल दिया जाएगा हालांकि उसका मैनेजर ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो चाहता है कि अब यूरी लीगल फाइट्स लड़े जिसके लिए उसने क्वालिफाई कर लिया है पर यूरी उसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा उसका मैनेजर उसकी बात मान जाता है और अब एक नकली नाम के साथ नकली पासपोर्ट के साथ बहुत जल्दी यूरी रशिया पहुंच जाता है रशिया पहुंचकर सबसे पहले वो विक्टर के घर जाता है जहां पर वो विक्टर की पत्नी को

सल गैंगस्टर ने विक्टर से बहुत पैसे लेने थे जो कि एलमा चुका नहीं सकती इसीलिए उसके लोग उसे पकड़ कर यहां पर ले आए होते हैं बहुत ही गैंगस्टर की उस पर बुरी नजर होती है गैंगस्टर ने उससे कहा भी होता है कि तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दूंगा पर एल्मा ने उसकी बात नहीं मानी होती उसने उससे कहा होता है कि मैं काम करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगी इसीलिए यहां पर काम कर रही होती है और अब जब गैंगस्टर के लोग देखते हैं कि यूरी एल्मा से बात करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे बाहर ले जाते हैं

गैंगस्टर कहता है कि वो मैसेज तुम मुझे दे सकते हो पर यूरी साफ साफ मना कर देता है वो कहता है कि वो मैसेज मैं सिर्फ एल्मा को ही दूंगा गैंगस्टर कहता है कि इस शहर में मेरी हुकूमत है मेरी इजाजत के बिना तुम कोई काम नहीं कर सकते और अब यूरी यहां से चला जाता है गैंगस्टर अपने लोगों से कहता है कि तुम उस पर नजर रखना रात को जब यूरिस सोता है तो उसे फाइट के अजीब अजीब से सपने आते हैं और अगली सुबह वो एल्मा से मिलने के लिए जाता है वो एल्मा के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है क्या तुमसे गैंगस्टर जबरदस्ती काम करवाता है वो कहती है कि नहीं और और विक्टर ने कम्युनिटी सेंटर खोलने के के लिए लिए उससे लोन लोन लिया था और अब उस लोन को चुकाने के लिए मैं अपनी मर्जी से उसके साथ काम करती हूँ इसके बाद यूरी के पास जो विक्टर का लेटर होता है जो उसके बैग में था वो लेटर वो एल्मा को देता है एल्मा यूरी से पूछती है कि ये लेटर तुम्हें विक्टर ने कब दिया था वो कहता है कि अपनी लास्ट फाइट के बाद एल्मा पूछती है क्या तुमने उसकी लास्ट फाइट देखी थी यूरी कहता है कि उसकी लास्ट फाइट मुझसे हुई थी ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो यूरी को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता है यूरी की वजह से विक्टर की मृत्यु हुई है यूरी किसी भी कीमत पर एल्मा की मदद करके अपने गुनाहों से मुक्ति चाहता है गैंगस्टर के पास जाता और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा लेकिन बदले में तुम्हें एल्मा का सारा कर्ज माफ करना होगा गैंगस्टर कहता है कि ठीक है तुम्हें तीन फाइट्स करनी होगी और अगर तुम उन तीनों फाइट्स को जीत गए तो मैं एल्मा का सारा कर्जा माफ कर दूंगा यूरी उसके

यूरी कहते है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा बल्कि मैं अपनी मदद कर रहा हूँ और बहुत जल्दी वो दिन आ जाता है जब यूरी की फर्स्ट फाइट होती है गैंगस्टर अपने बेस्ट फाइटर को उससे लड़वाता है लेकिन यूरी के सामने किसी भी फाइटर का टिकना इतना आसान नहीं है और कुछ ही राउंड्स में वो अपनी पहली फाइट जीत जाता है जिसके बाद गैंगस्टर एल्मा से कहता है कि हमारे विनर को ड्रिंक देकर आओ एल्मा यूरी के पास आती है यूरी एल्मा से कहता है कि जिस जिम में मैं प्रैक्टिस करने के लिए जाता हूँ वहाँ पर बहुत चूहे हैं क्या तुम मुझे कोई अच्छा जिम बता सकती हो एल्मा कहती है कल से तुम कम्युनिटी सेंटर प्रैक्टिस के लिए आ सकते हो और अब यूरी कम्युनिटी सेंटर में प्रैक्टिस करने के लिए जाता है हाँ पर एल्मा के साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो उसे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और आज उसकी दूसरी फाइट है जहां पर गैंगस्टर उसकी फाइट दो फाइटर से करवाता है जो दोनों ही अपनी फाइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं दोनों के दोनों यूरी के ऊपर हमला कर देते हैं वो यूरी को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं लेकिन किसी तरह से यूरी इस फाइट को भी जीत जाता है और अब यूरी की एक और फाइट बची हुई है इसके लिए गैंगस्टर पुलिस ऑफिसर के पास जाता और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब यूरी की जो फाइट है वो कौशमर के साथ हो कौमर रसिया का सबसे बड़ा इलीगल फाइट का फाइटर है जो इस वक्त जेल में होता है उसी जेल में जहां पर कभी यूरी था जहां पर इलीगल फाइट होती है और कौशमर के सामने आज तक कभी कोई नहीं टिक पाया गैंगस्टर एल्मा के पास जाता है है उसे पूरा यकीन है कि एल्मा और यूरी के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है इसीलिए एल्मा से कहता है कि तुम्हारे पति विक्टर को उसने जान मारा है तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए यह सुनकर वहां से निकल जाती है दरअसल गैंगस्टर एल्मा को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है और अब यूरी जब एल्मा के पास आता है तो एल्मा उससे पूछती है कि विक्टर की मौत कैसे हुई थी यूरी बताता है कि मेरी पूरी जिंदगी बहुत मुश्किल दौरों से गुजरी है और मेरे पास एक ही चांस था जब मैं अपनी पूरी जिंदगी को इलीगल से लीगल बना सकता था उसके लिए मुझे विक्टर से फाइट जीतनी थी मैंने हर फाइट की तरह उस फाइट को भी खेला मेरा विक्टर को मारने का कभी कोई इरादा नहीं था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था यह सुनकर एल्मा वहां से चली जाती है और आज यूरी का तीसरा और आखिरी मैच है रात को मैच खेलने के लिए जाता है जहां पर वो गैंगस्टर के फाइटर से फाइट करता है एक बहुत बेहतरीन फाइट के बाद वो उस मैच को भी जीत जाता है यानी कि उसकी डील खत्म हो चुकी है वो तीनों फाइट जीत चुका है ये देख कर एल्मा भी खुश होती है और फाइट के बाद गैंगस्टर उसके पास जाता और कहता है कॉल तो आता है जो की बूडापेस्ट में है दरअसल आज किसी भी कीमत पर यूरी को बुडापेस्ट में पहुंचना होगा क्योंकि वहां पर उसके पोस्टर्स लग चुके हैं मीडिया उससे बात करना चाहती है यूरी अपने मैनेजर से पूछता है की आखिरी बस कितने बजे की है उसका मैनेजर

जीत जाता है गैंगस्टर का प्लान कुछ और ही होता है वो एल्मा को पकड़ कर ले जाता है साथ ही उसके आदमी जो होते हैं वो सब के सब यूरी के ऊपर हमला कर देते हैं घड़ी में दस बज गए होते हैं यानी कि अब उसकी आखिरी बस भी निकलने वाली है इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सिर्फ एल्मा को बचाना चाहता है ताकि अपने गुनाहों का पश्चाताप कर सके इसीलो गैंगस्टर के सभी आदमियों पर हमला करता है और गैंगस्टर तक पहुंचकर उसे मार देता है यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो यूरी को पकड़ लेती है इसके बाद उसे रशिया की उसी जेल में ले जाया जाता है जहाँ से वो भागा था छह महीने बीत जाने के बाद उससे एल्मा मिलने के लिए आती है जो कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा तुम एक अच्छे इंसान हो तुम्हारे अंदर दिल है विक्टर की मौत के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ ये सुनकर यूरी को बहुत तसल्ली मिलती है और अब यूरी को दिखाया जाता है जो जेल की रिंग में होता है जहाँ पर अनडिस्प्यूटेड का उसका जो टाइटल होता है अब भी उसी के पास है उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है इस कहानी के शुरू के पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप उन पार्ट को भी जरूर देखें उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी